अस्सलाम वालेकुम। बाकू में आज हमारा लास्ट डे था, तो सबसे पहले हम लोग अचेरी शहर पहुंचे, जिसे बाकू का ओल्ड सिटी या दीवारों वाला शहर भी कहते हैं। फिर हम गए ओल्ड सिटी बाकू में ही मौजूद एक पैलेस में। पैलेस को देखने के बाद 12 मिनट की वॉक करके पहुंचे निज़ामी स्ट्रीट। निज़ामी स्ट्रीट पर बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिले, लाइव म्यूज़िक सुना, फिर वॉक करते हुए पहुँचे कैस्पियन सी। कैस्पियन सी को अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया। वहाँ पर बारिश हो रही थी, हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। डिनीज मॉल में भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिले। वहीं पर थोड़े फासले पर मौजूद थे मिनी वीनस पर मंडोला की राइड ली। वाकई उसने मन लूट लिया, मंडोला रेडोला होकर रह गया। अब हम मौजूद हैं जी, हम लोग ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं बाकू आई, यहाँ पर इसकी राइड लेने के लिए आए थे, लेकिन ये अभी बंद है। लेकिन जब हमने इसकी साइट पर देखा तो इसकी टाइमिंग रात 11 बजे तक बता रहे थे। लेकिन अभी वेदर, अभी आपको मैं दिखाती हूँ, बहुत क्लाउडी वेदर हो रहा है, शायद इस वजह से बंद है। और मुस्तकिल तकरीबन 2 घंटे से बूंदाबांदी हो रही है। और हमारे साथ एक और फादर थे और उनके साथ 2 छोटे बच्चे भी थे, वो भी हमारे साथ ही यहाँ तक आए। बच्चे बेचारे बहुत नाउम्मीद होके यहाँ से गए कि ये झूला बंद है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। पार्क घूम लिए, डिनीज मॉल घूम लिए। चलिए जी, ये पहले आप यहाँ रोशनी देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये बाकू की लाइट्स। जी ये मेरे पीछे है डिनीज मॉल। चलें जी आगे कहीं और चलते हैं, वहाँ एक्सप्लोर कर लेते हैं कुछ। अभी फ्लेम टावर्स की लाइट्स ऑन नहीं हुई हैं, बादल ऊपर उसकी जो फ्लेम का जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक आ गए हैं बादल, उसको छुपाया हुआ है। और ये ऊपर जो एक पुरानी सी एक सिर्फ एक गुंबद नज़र आ रहा है, गुंबद टाइप का नज़र आ रहा है, ये हाईलैंड पार्क। हाईलैंड पार्क गए थे ना बीच में, वो ओके 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 हाईलैंड, यस यस, तो पूरा 360 व्यू नजर आ रहा था कैस्पियन सी का। हेलो, जर्मन शेफर्ड? यस यस यस। ओह नाइस, नाइस ब्रीड। वी हैव आल्सो हैव अ जैकी, जर्मन शेफर्ड। थैंक यू, थैंक यू। इधर से बहुत अच्छा व्यू आता है इसका। तो दोबारा बाकू आई से हम लोग जा रहे हैं निज़ामी स्ट्रीट, क्योंकि आज लास्ट डे हमारा यहाँ पर। तो हम लोगों ने सोच लिया था कि पूरी अच्छी तरह से ना आज बाकू को कवर करेंगे। और ये सामने बिल्डिंग के बीच में से जो फ्लेम टावर्स की लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये बहुत ऑसम लग रही हैं। साथ शहर का व्यू, ट्रैफिक बहुत ही अच्छा। और ये इनकी यहाँ की एक ट्रेडिशनल चाय का मग है, उसको यहाँ पर राउंड अबाउट पे फिक्स किया हुआ, ये भी बहुत खूबसूरत झिलमिला रहा है। तो जी अभी बहुत शोर आ रहा होगा, थोड़ी सी बात करते हैं। वहाँ पर हम बाकू आई पे गए थे तो वो बंद थी, तो दोबारा से निज़ामी स्ट्रीट आ गए हैं और दोबारा से एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, यहाँ पर फिर बिरयानी ऑर्डर की जो दोपहर में खाई थी।
क्योंकि वो अच्छी लगी थी, तो इसलिए हम दोबारा फिर यहाँ आ गए हैं। तो आपको फिर मैं दोबारा से बिरयानी दिखा देती हूँ। तो ये जी ये रेस्टोरेंट है और बैकग्राउंड में गाने चल रहे हैं, इंडियन गाने हैं और हो सकता है कॉपीराइट ना आए। तो ये बिरयानी है, यहाँ पर खाते हैं उसके बाद दोबारा अपने होटल जाएंगे क्योंकि सुबह हमारी फ्लाइट है। Michael, hello. Hello. From Pakistan. Okay. Thank you. Brother Pakistan. Thank you. Brother, other way. Michael, banana. Okay. Welcome. Ми польська власки, скрізь на вечність летять по землі, бурі навстречу, детські сказки, насилля хладання несуть кораблі. तो सुबह हम लोग जब निज़ामी स्ट्रीट घूम रहे थे तो इस साइड नहीं आए थे, ये है ज़ियारत बैंक यहाँ का। सो यहाँ पर लाइन से रेस्टोरेंट बने हुए हैं तो ये बड़ा खूबसूरत लग रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि इसके पीछे जाके देखते हैं क्या है। ये देखिए ये जो खिड़कियाँ बनी हुई है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो इसलिए यहाँ आ गए हैं, इसके पीछे जाके देखेंगे। और यहाँ पर आगे एक ना पिंक कलर की ना, जिसे हमारे यहाँ हाई रूफ होती है, वो खड़ी हुई है। वो एक कैफेटेरिया है, उसके ऊपर पूरा मेन्यू लिखा हुआ है। जनाब आपने अभी हमारे साथ निज़ामी स्ट्रीट घूमी, आज डेट है 15 मार्च और कराची में जो वेदर कराची में जो वेदर चल रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 31 है और कम से कम 21। सो जी मेरे जेटर से आप लोग समझ गए होंगे कितनी सर्दी है, और आगे पीछे जितने लोग घूम रहे हैं बहुत सर्दी है यहाँ पे। खैर तो जी आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। हम लोगों ने भी घूमा, आप लोगों ने भी हमारे साथ ट्रैवल को एंजॉय किया होगा। सो जी मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।